अपने अपने घरों में सेफ हो। आज है 10 मार्च, अभी बज रहे हैं दोपहर के 4, मतलब शाम के 4 भी आप कह सकते हो, मतलब 5 बजने वाले हैं। तो आज हमारा प्लान है, आज संडे था, हम लोगों ने सोचा आज हम पिक्चर देखने जाएंगे, और शैतान पिक्चर, ऐसी पिक्चर है मुझे बहुत पसंद है। तो मैं जा रहे हैं, भैया जा रहे हैं, और भैया की फ्रेंड जा रही है, और आकाश जा रहा है। तो रात को हम लोगों का प्लान है कि हम बाहर खाना खाने के लिए जाएंगे। सुबह हम लोगों ने नॉर्मल सा लाइट सा खाना खा लिया था, क्योंकि रात में हमें हैवी खाना ही था, इसलिए हमने सुबह लाइट खाया। और अभी मैं वैसे ही बहुत लेट हूँ, मैंने 3-4-5-6 कपड़े निकाले हुए, वो सब ट्राई करूँगी, उनमें से जो बेस्ट होगा मैं पहनूंगी। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ तैयार होने के बाद, और देखते कि मूवी कैसी है, खाने पर कहाँ जा रहे हैं, उन सबके छोटे छोटे ग्लिम्स आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कैसे गए पता ही नहीं चला, वीकेंड कितनी जल्दी चला जाता है इसका एहसास ही नहीं हो पाता। ठीक है, कल हम लोग गए थे पिक्चर देखने के लिए शैतान। मुझे इस तरीके की मूवी बहुत पसंद है, पर आकाश को इस तरीके की मूवी अच्छी नहीं लगती। ही लाइक्स कॉमेडी एक्शन काइंड ऑफ फिल्म्स, बट आई लाइक दिस काइंड ऑफ फिल्म। तो हम लोग गए, बट होपफुली पिक्चर बहुत अच्छी, उसको भी बहुत अच्छी लगी थी। आर माधवन की एक्टिंग वॉज सो आउटस्टैंडिंग, इतनी अच्छी एक्टिंग उन्होंने की है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब आप लोगों को देखनी चाहिए एक बार ही। ठीक है, उसके बाद हम लोग गए थे खाना खाने के लिए, वहाँ पे हमने खाना वाना खाया था, और जाते टाइम भी इतनी जल्दी में गई थी मैं, इतनी जल्दी में कि कुछ वीडियो ही नहीं ले पाई, और आते टाइम भी इतनी थक गई थी कि कुछ ले नहीं पाई। तो मैंने सोचा था नेक्स्ट डे ही मैं इसका प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, कल मैंने क्या पहना था उसकी मैं फ़ोटोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो अभी का ये है कि बैंगन बहुत दिन से पड़ा हुआ, तो मैंने सोचा चलो बहुत वीकेंड हो गया, अब है ना न्यू मंडे से लेके फ्राइडे तक हेल्दी खाएंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता। बैंगन को मैंने पहले ही रोस्ट करके रख दिया था, उसको पील करके, उसके थोड़े बहुत यहाँ पे जो बैंगन मिलता है ना उसमें थोड़े बहुत बीज रहते हैं, तो बीज वीज सब हटा के उसको क्रश करके आई थी। तो वो बनाना है, और हमने जो चकली बनाई थी वो ख़त्म हो गई थी, तो अभी कुछ भी नहीं है, तो वो चकली मैं वापस आज बनाऊँगी। ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं है, पर जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। पहले ये कपड़े सुखा लेती हूँ। मेरा ना हाथ यहाँ तक ज़्यादा नहीं, पर मैं ऐसे थोड़ा ऊंचा ऊंचा के कर ही लेती हूँ कुछ ना कुछ। तो आज बनेगा बैंगन का भरता। इसके लिए मैंने बैंगन को पहले से ही रोस्ट करके क्रश कर लिया था। थोड़ा सा तेल लेंगे,
उसमें डालेंगे जीरा, थोड़ी सी हींग डाल के प्याज डाल दूंगी। तो मैंने एक ही प्याज लिया था, उसे बारीक बारीक चॉप कर लिया था। प्याज के साथ ही मैंने लहसुन भी चॉप कर लिया था। बैंगन के भरते में लहसुन का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। ठीक है, अब हम इसके लिए मसाला बना लेंगे। उसमें वही जो मसाले हम डालते हैं, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और नमक, गरम मसाला, इन सब का ना एक पेस्ट टाइप तैयार कर लेंगे। साथ ही साथ मैंने टमाटर भी डाल दिए थे। अब इन मसालों को हम टमाटर में डाल देंगे और इन्हें तब तक भून लेंगे जब तक हमारे मसाले तेल छोड़ना शुरू ना कर दें, मसाले जले ना, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ। अब थोड़ा सा ढक लेते हैं। ढकने से क्या, मसाले अच्छी तरीके से पक जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसमें हम डालते हैं बैंगन और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको करीबन 5 मिनट के लिए ढक लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही लजीज बैंगन का भरता बनकर तैयार है। बारीक कटी हरी मिर्च, इसमें बारीक कटा हरा धनिया इसमें डाल देंगे। और ये देखो, ये एकदम लजीज सा तैयार है। इसे आज मैं रोटी के साथ दूंगी। और क्या, हमने जो चकली बनाई थी ना, वो खत्म ही हो गई थी। और वो चकली आकाश को बहुत पसंद आई थी, तो मैंने चकली आज वापस से बनाने के लिए रखी है। तो ये देखो, चकलियों को मैंने अच्छे से गोल गोल कर लिया है। तेल रख देते हैं यहाँ पे, ये ना हम स्टोर करके रखते हैं, तो जब भी ये छोटी मोटी भूख लगती है तो उसमें इसे खा लेते हैं करके। इसका जो रेसिपी है वो आप थोड़े आगे जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ये चावल से बने आटे की चकली होती है। चकली को तेल में डालने से पहले इसके जितने भी एंड्स है ना, उसे अच्छे से बंद कर लेना, क्योंकि चकली तेल में जाके खुल भी सकती है। इसलिए मैं हाथों से इसके एंड्स को बंद कर रही थी। Thank you.